रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र स्थित तमरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मारपीट में महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे। विवाद में दोनों पक्षों से तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ स्थित तमरा गांव के निवासी द्विवेदी परिवार के चाचा और भतीजी के बीच जमीनी विवाद था। मंगलवार को भतीजी अपने ससुराल से गांव मायके पहुंची थी, उसी दौरान रास्ते के निकासी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों पक्ष के लोगों ने डंडे निकालकर एक दूसरे पर बरसात करनी शुरू कर दी। घंटों चली लड़ाई के बाद दोनों पक्ष में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोविंदगढ़ में तमरा गांव से दो व्यक्ति जमीन संबंधी विवाद पर आपसी मारपीट किए हैं और उसकी रिपोर्ट गोविंदगढ़ थाना में की गई है। थाने में उनकी रिपोर्ट पंजीबद्ध करके अस्पताल भेजा गया है उनको। जैसे ही एमएलसी रिपोर्ट आती है, जो सूरत होगी उस हिसाब से पुलिस जो है कार्रवाई करेगी और उभय पक्षों में प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि गोविंदगढ़ थाना जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष के लोगों ने आपस में मारपीट की है। मामले पर दोनों ही पक्षों की ओर से गोविंदगढ़ थाने में शिकायत की गई है। थाने में शिकायत कर सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिरा 24 न्यूज़।